हेलो एवरीवन, मैं हूं यादीश और फ्रांसी कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस के बारे में, जिसमें कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में जानेंगे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम चलते हैं कवर पेज की तरफ। तो कवर पेज की अगर हम बात करें तो कवर पेज से रिलेटेड यह है कि हमने क्या डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है। जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है उसकी जानकारी से है। यहाँ पर हम जाएंगे कवर पेज में, और कवर पेज में हम जाते हैं तो हमको मिलता है कुछ पेजेस का स्टाइल, जहाँ पर आप अपने स्टाइलिश पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिनमें से हम कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल। यहाँ पर जब हम कवर पेज का सिलेक्शन करते हैं तो यह सबसे पहले भाग में ही आता है। जब आप कोई नोटबुक या बुक लेते हो तो ऊपर में जो जानकारी दिखाया रहता है या कवर पेज दिखाता है, वही हमारा कवर पेज होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जब हम कवर पेज लेते हैं तो सबसे पहले हमको टाइटल नेम देना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टाइटल नेम मैंने यहाँ पर MS वर्ड दिया हुआ है, ऑथर नेम यहाँ पर यादेश डाला हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2019 ईयर दिखा रहा है। आप चाहो तो इस इमेज को हटा सकते हैं, नहीं तो फिर आप वैसे ही रख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर टाइटल से संबंधित जानकारी। अगर आपको कोई जानकारी अन्य देना है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप आएंगे तो कंपनी का एड्रेस बता सकते हैं, कंपनी का नाम, कंपनी का नीचे एड्रेस बता सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं, फैक्स नंबर दे सकते हैं। इस तरीके से आप कवर पेज में अपनी जानकारी को दे सकते हैं, यानी आपने क्या डॉक्यूमेंट तैयार किया इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब था कि कवर पेज का हम उपयोग क्या करेंगे। तो कवर पेज तैयार करने के लिए जो हम कवर पेज का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम अगर कवर पेज नहीं रखना चाहते तो वापस हम कवर पेज में जाएंगे, और कवर पेज में जाने के बाद रिमूव करेंट कवर पेज को क्लिक कर देंगे और यहाँ पर से यह हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा आता है यहाँ पर ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ के लास्ट में अगर हम कर्सर को रखते हैं तो हमारा एक खाली पेज जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं एक इतनी जगह खाली है और इस पर हम कार्य नहीं करना चाहते, इस पेज के अंदर हम कार्य नहीं करना चाहते, एक नया पेज में हम कार्य करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है यहाँ पर ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करना है और नीचे की तरफ एक खाली पेज आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको ऊपर की तरफ भी एक खाली पेज लाना है तो लिखे हुए पैराग्राफ के शुरू में आपको कर्सर को रख देना है और यहाँ पर ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ भी एक खाली पेज आ जाता है। तो इस तरीके से जो है आप ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है कि एक पेज को दो भागों में तोड़ना। यहाँ पर जैसे कि हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो पैराग्राफ बने हुए, एक यहाँ दिख रहा है और एक दूसरा यहाँ पर मोस्ट कंट्रोल्स ऑफर करके ये दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ये दोनों पैराग्राफ को अलग अलग पेज में रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है हम यहाँ पर पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको जाना होगा लिखे हुए पैराग्राफ के लास्ट में हमको यहाँ पर कर्सर को रख देना है, लिखे हुए शुरू के पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर को रखना है या सेकंड पैराग्राफ के शुरू में कर्सर को रख देना है। यहाँ पर दोनों में से किसी एक जगह में आप रख पाएंगे और आपको सिर्फ यह करना है कि इस पेज ब्रेक ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यह एक नया पेज में आ जाएगा, जो पहला पैराग्राफ था वो जहाँ था वहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपने जाना कवर पेज के बारे में, ब्लैंक पेज के बारे में, पेज ब्रेक के बारे में। आने वाली वीडियो में मैं आपको टेबल के बारे में बताऊंगा या अन्य कोई फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।